जैसे कि हमें पता है कि वेब के ऊपर हर एसेट का, हर पेज का एक एक एड्रेस होता है जिसको हम यूआरएल बोलते हैं। ये एड्रेस आइडेंटिफाई करता है कि कोई रिसोर्स, कोई इमेज, कोई पेज कहाँ पड़ा हुआ है, और जब भी आप ब्राउज़र में वो यूआरएल ओपन करते हैं तो आपको वो चीज़ नज़र आने लग जाती है, क्योंकि वो एग्जैक्टली उसका एड्रेस होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ डिलीट हो जाए, उसका एड्रेस डिलीट नहीं होता। जब गूगल आपके किसी पेज को इंडेक्स कर लेता है और गूगल के डेटाबेस में वो यूआरएल आ जाता है, लेकिन आप पीछे से वो फाइल डिलीट कर दें या वो पेज डिलीट कर दें, तो गूगल के इंडेक्स से वो डिलीट नहीं होता, बल्कि गूगल में वो अवेलेबल रहता है। और जब वो अवेलेबल रहता है तो उससे क्या होता है कि अगर किसी ने सर्च किया हो और वो उस यूआरएल पे क्लिक करे जो आपने डिलीट कर दिया था या चेंज कर दिया था, तो सर्वर को उस एड्रेस पर कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही वो एड्रेस उस एड्रेस पर कोई जाएगा तो आपको एक 404 एरर का वो एक 404 एरर दिखाएगा ब्राउज़र, जो कि आपको कुछ कभी कभार इस तरह से नज़र आता है। ये 404 एरर बड़े डिफरेंट तरह से आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लोग अपनी मर्ज़ी के 404 पेजेस भी बना लेते हैं, लेकिन इन शॉर्ट 404 का मतलब ये है कि वो एक एरर है कि चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वो आपका एड्रेस गलत है जिस पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। आपको 404 एरर तब नज़र आएगा जब पेज का यूआरएल या जो फाइल का यूआरएल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गूगल ये समझता है कि अगर आपके ब्रोकन यूआरएल्स हैं तो वो आपको उस पर एसईओ में वैल्यू डाउन करेगा, और अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है और वो एक ब्रोकन पेज पे लैंड करता है तो वो आपकी वेबसाइट छोड़ जाएगा। और इसके अलावा आपका बिजनेस पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इन ब्रोकन यूआरएल्स की वजह से। तो इसमें तीन मेन चीज़ें देखने वाली हैं, आपकी एसईओ इफेक्ट होती है, आपका यूज़र छोड़ के चला जाता है, और गूगल पसंद नहीं करता ऐसी यूआरएल्स को, इसलिए वो आपकी जो है आपको पूरी की पूरी वेबसाइट को इम्पैक्ट करता है कि जी ये वेबसाइट में ब्रोकन यूआरएल्स इतने ज़्यादा हैं कि लोग क्लिक करके आते हैं और उन पर कुछ नहीं मिलता। वो आपकी वेबसाइट है या आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, आपने ब्रोकन यूआरएल्स को आइडेंटिफाई करना होता है। और आइडेंटिफाई करने के दो तीन तरीके हैं, कि एक तो ये कि आपको वैसे कोई पेज नज़र आ जाए कि जब आप जाएँ सर्च करें और आपको नज़र आ जाए कि ये पेज तो एग्जिस्ट नहीं करता, आप उसको ठीक कर लें। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको पता ही ना हो और आपकी वेबसाइट पर ब्रोकन यूआरएल्स हों। और ये कब होता है, इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि जब क्लाइंट या आप किसी ने भी आपसे पहले या आपने ही अगर कोई पेज डिलीट किया हो, किसी वेबसाइट से पेज डिलीट हो और वो गूगल इंडेक्स कर लिया हो डिलीट होने से पहले, और बाद में जब वो डिलीट करे गूगल के डेटाबेस में वो रहेगा और जब भी उस पर कोई क्लिक करके आएगा तो वो ब्रोकन यूआरएल के तौर पर 404 एरर दिखाएगा। सो या तो पेज डिलीट हो जाता है, या कभी कभार ये भी होता है कि आपने एक आर्टिकल लिखा, अब आपको नाम उसको चेंज करना था, आपने थोड़ी बहुत चेंजेस की और आपने उसका नाम डिफरेंट कर दिया, उसका यूआरएल डिफरेंट हो गया। अब बेसिकली आपने पेज तो डिलीट नहीं किया, लेकिन वो यूआरएल जो पहले गूगल इंडेक्स कर चुका था या सर्च इंजन इंडेक्स कर चुके थे, अब उसका यूआरएल चेंज हो गया, पुराने यूआरएल पे कोई भी नहीं जा सकेगा क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो डिलीट हुआ या वो चेंज हुआ, वो एक ही बात है। तो ये जब इश्यूज़ आते हैं तो आपको ये देखना होता है कि जब आप वेबसाइट माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट से मुराद कि अगर आपने नई वेबसाइट बना ली है या आपने एक पेज की जगह दूसरा नया पेज बना लिया है, तो आप पुराने यूआरएल से नए यूआरएल पे रीडायरेक्शन लगाएं। रीडायरेक्शन एक कमांड होती है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कंटेंट डुप्लीकेशन, जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कंटेंट डुप्लीकेशन को रोकने के लिए www से non-www पे या http से https पर कैसे रीडायरेक्शन से आपने करना है। लेकिन रीडायरेक्शन सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है, अगर आपको पेज डिलीट करें, जो कि बहुत नेचुरल है क्योंकि अगर आपको पेज अब नहीं चाहिए आप डिलीट कर देंगे, आप डिलीट कर दें लेकिन उसको रीडायरेक्ट ज़रूर करें। रीडायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने जो पुराना यूआरएल था उससे आपने एक नए यूआरएल पे एड्रेस दे दिया, जब भी यूज़र या गूगल उस पुराने यूआरएल पे जाएगा तो ब्राउज़र एक नया यूआरएल दिखा देगा और यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन से पेज से आया, कौन से पेज पे लैंड कर गया। अगर वो यूआरएल देखेगा उसको समझ आ जाएगी कि पुराना यूआरएल अब नहीं एग्जिस्ट करता, वो नए यूआरएल पे ऑटोमेटिकली वो लोड हो जाएगा। और गूगल जब ये देखेगा बिहेवियर कि हाँ भाई एक पुराना यूआरएल था जो उसके डेटाबेस में था, जब उसको क्रॉल करेगा वो देखेगा पेज एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पेज के ऊपर एक 301 रीडायरेक्शन लगी हुई है, जिसमें होगा ये कि जब वो उसको ब्राउज़ करेगा तो एक नए पेज पर लैंड कर जाएगा। तो गूगल ये समझ जाएगा कि अब ये एड्रेस ख़त्म हो गया, इसकी जगह एक नया एड्रेस आ गया है। जैसे ही वो नया एड्रेस देखेगा गूगल के डेटाबेस में, वो पुराना एड्रेस ख़त्म हो जाएगा, नया एड्रेस वो ऐड हो जाएगा। सो ये ब्रोकन यूआरएल्स फाइंड करने के लिए आप एक टूल यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह कि W3C वैलिडेटर का चेक लिंक्स का एक टूल है, इस पर आप जाके अपनी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन की वेबसाइट कितनी बड़ी है ये उतना ही टाइम लेगा, लेकिन एक आसान तरीका भी है ब्रोकन लिंक्स चेक करने का, वो है गूगल वेबमास्टर टूल्स। गूगल वेबमास्टर टूल्स के ऊपर हमने पूरा एक टॉपिक डिसाइड किया हुआ है, जब मैं आपको पूरा टॉपिक बताऊंगा गूगल वेबमास्टर टूल्स क्या होते हैं और कैसे चलता है, उसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसमें ब्रोकन यूआरएल्स गूगल कैसे आइडेंटिफाई करता है।
मैं गूगल जो गूगल वेब मास्टर का टूल इसलिए पसंद करता हूँ कि गूगल ब्रोकर यू एस गूगल में ही हैं, और गूगल से बेहतर हमें नहीं बता सकता कि उसके बाद कितने यू आर एल्स हैं जो कि ब्रोकन हैं। तो जब हम अपनी वेबसाइट गूगल वेब मास्टर टूल में रजिस्टर करेंगे वो हमें सारे ब्रोकन यू आर एल्स बताएगा, और जब वो हमें ये बताएगा तो हम उसको फिक्स भी कर लेंगे। सो इन शॉर्ट आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि ब्रोकन यू आर एल्स जो हैं वो डेंजरस हैं आपकी वेबसाइट के लिए। आपकी वेबसाइट में अगर लिंक्स ऐसे हैं जहाँ पर लोग आते हैं या गूगल आता है और वो 404 एड शो करते हैं, आपने उसको फिक्स करना है। अगर आपको नहीं पता कैसे फिक्स करना है, अगेन ये वो एडवांस पार्ट है जिसकी हमने पहले बात की, आपने अपने डेवलपर से कहना है कि भाई मुझे ये फ़िक्स करवाना है, आप इसको फिक्स कर दें। वो उसको पता होगा कि 404 एरर कैसे लगते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं आपको प्लगइन मिल जाएंगे, आप प्लगइन्स के तहत भी प्लगइन्स यूज़ करते हुए आप अपने ब्रोकन यूआरएल्स को खुद भी फिक्स कर सकेंगे। लेकिन इन शॉर्ट अगर आपको नहीं पता तो ये ऐसी चीज़ है जिसमें हेल्प मांगने में कोई मसला नहीं है। आप अपने डेवलपर से कहेंगे भाई ये ब्रोकन यूआरएल्स हैं, मुझे बता दो कैसे करते हैं या मुझे कर दो। जब आपको खुद समझ आ जाएगी आप खुद भी कर लेंगे। लेकिन ब्रोकन यूआरएल्स अगर होंगे तो आपके एसईओ पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, इसको आपने ख़त्म करना है इन एनी केस।